ये दिल्ली से, जहां दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। स्क्रीनिंग कमेटी और आला नेताओं के साथ ये बैठक होगी। उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लगेगी। रविवार को ही कांग्रेस चुनाव समिति की ये बैठक होनी थी, लेकिन इंडिया में सीट शेयरिंग के पेच के कारण नहीं ये बैठक हो सकी थी। टिकट के लिए कांग्रेस नेता लगा रहे हैं दिल्ली का दौड़। आपको बता दें कि भूषण बाड़ा, उमाशंकर अकेला समेत कई ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। संगठन से जुड़े कई नेता इसमें टिकट के लिए दिल्ली में हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बड़े नेताओं का अब दौर शुरू है और वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चतरा सीट से जनार्दन पासवान बनाए गए हैं उम्मीदवार। एलजेपी आरवी के बनाए गए हैं उम्मीदवार जनार्दन पासवान। कल ही एलजेपी आरवी में शामिल हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के सियासी गलियारे से सामने आ रही है, जहां चतरा सीट से अब उम्मीदवार के नाम का घोषणा हो चुका है। आपको बता दें कि जनार्दन पासवान नए उम्मीदवार बनाए गए हैं, एलजेपी आरवी के उम्मीदवार बनाए गए हैं जनार्दन पासवान। और ये भी जानकारी दे दें कि कल ही वो एलजेपी आरवी में शामिल हुए थे। तो एक सीट जो कि एलजेपी आरवी के खाते में गई है, और इस सीट से, चतरा सीट से जनार्दन पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। तो आपको बड़ी खबर सियासी गलियारे से बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो है कि चतरा सीट से जनार्दन पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। और इंडिया अलायंस को लेकर के जो पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, ये जो विवाद हो रहा है, उस पर सुहासिनी अली ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। जहाँ तक बात है, एक पार्टी के अंदर भी बहुत विवाद रहते हैं सीटों पर और सीट के बंटवारे पर। जब अलग अलग पार्टियां हैं तो निश्चित तौर पर बंटवारे के समय दिक्कतें होती हैं, और कुछ पार्टियाँ हैं जिनकी आदत है अपनी ताकत से ज़्यादा मांगने की, और उनमें शायद कांग्रेस पार्टी प्रमुख है। तो हर जगह आप देखेंगे कि उन्हीं के साथ ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि अब वो ज़माने गए जब कांग्रेस के नाम पर ही वोट मिलता था, अब वो बिल्कुल दूसरा ज़माना है, गठबंधन को ही वोट मिलता है। इसलिए गठबंधन को गठबंधन रहना चाहिए और एक साथ इन लोगों को चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो। और इस बीच